खबर समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर से है, जहां थाना क्षेत्र के सिमरी पंचायत के सिमरी गांव में चोरों ने पूर्व एसडीओ रामेश्वर प्रसाद राय के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गृह स्वामी हर दिन की भांति शनिवार को भी पूरे परिवार के साथ खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रात करीब 1 बजे पूर्व एसडीओ की सासू माँ शौच के लिए उठी तो देखा कि आंगन जाने वाले रास्ते का गेट बंद है। फिर उन्होंने दूसरे गेट को चेक किया तो गेट खुला हुआ था। फिर उन्होंने अपने दामाद को उठाया, उनका बाहर से रूम का गेट बंद था। स्पष्ट रूप से आपको बता दें कि चोरों द्वारा चोरी किए जाने के समय जिस जिस कमरे में गृह स्वामी सोए हुए थे उस कमरे को बाहर से गेट को बंद किया गया था। इसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। गृह स्वामी का कहना है कि चोरों द्वारा 2 लैपटॉप, पर्स में रखे हुए 10,000 रुपए नगद, पर्स में रखे गए डॉक्यूमेंट्स और गोदरेज में रखे गए 2.5 लाख रुपए मूल्य के जेवरात चोरी हो गए। कुल मिलाकर नगद, लैपटॉप सहित ज्वेलरी सब कुछ मिलाकर करीब 3 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस बात की सूचना मिलने पर विद्यापति नगर थाने के थाना अध्यक्ष फिरोज आलम घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। समस्तीपुर से रत्न शंकर भारद्वाज की रिपोर्ट। के लिए चले गए 12 बजे के लगभग में, जब मेरी नानी उठी है तो ये दरवाजा खुला हुआ था। अब पता नहीं उस समय पे शायद कुछ बाहर के लोग आए हुए थे अंदर या नहीं, लेकिन फिर 1 बजे में जब मेरी नानी उठी है तो देखी कि बाहर से उसके घर का दरवाजा लॉक था। तो वो गेट खटखटाने के बाद भी अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो दरवाजे पे गई, पापा के रूम में उधर आवाज दी, और उसके बाद लगभग में 1:45 के लगभग में जब हम लोगों का नींद खुला तो सब अपने अपने रूम का बाहर जब दरवाजा चेक किए तो बाहर से गेट लगा हुआ था। सभी लोगों का दरवाजा, हाँ, जो भी घर में तीन घर में सदस्य थे हमारे, उन तीनों के घर के बाहर का दरवाजा लगा हुआ था। तो उसके बाद फिर दरवाजे के तरफ से मेन ग्रिल खोल के इधर पीछे की तरफ से आके हम लोग आए तो देखे ये गेट खुला हुआ था। तो इधर से इंटर करके हम लोग आए तो सब सदस्य के घर का दरवाजा खोले और देखे तो एक घर में, मेरे एक घर में जिसमें कि मेरा 2 लैपटॉप रखा हुआ था, वो दोनों लैपटॉप और पूरा एक गोदरेज जिसमें कि पूरा सामान भरा हुआ था, वो पूरा गोदरेज का सामान बाहर निकला हुआ था। उसमें सारा चीज जो भी था उसमें लगभग 1.5 लाख के लगभग का गहना था वो उसमें से निकाला हुआ था। मेरा दोनों लैपटॉप नहीं था और मेरा जो पर्स था जिसमें कि ATM और मेरा कई बार 10,000 रुपया उसमें था और कुछ ID डॉक्यूमेंट्स जो भी आधार पैन ड्राइविंग लाइसेंस था वो सब नहीं था। और कितने की संख्या में सामान देखने से और यूज करने के देखने से लगता है कि कम से कम 4 से 5 सदस्य जरूर रहे होंगे। ये सामान घर से बाहर भी लेके निकला है? बाहर तो यही जो मैंने जो सामान बताया बस वही चीज लेके निकले हैं, नहीं तो बाकी जो सामान था वो बस ढूंढे हैं और ढूंढ के और बाकी जो सामान है वो यहाँ पे लाके पीछे में घर के पीछे में बात घर में वो सर्च किया या और भी कोई कमरों में? नहीं, मेनली एक ही घर में सर्च हुआ, एक ही घर में सर्च हुआ और मेरी नानी जग गई, आवाज दी, जिसके कारण उन लोगों को आभास हो गया कि अब लोग जग जाएंगे तो वो सारे इसी रास्ते से, इसी पीछे के रास्ते से निकल गए। क्या नाम है आपका? अग्निवेश कुमार, आलमपुर सिमरी, ये वार्ड नंबर 12 है। वो हल्ला हुआ तो जब निकले तो देखे कि बताए कि पीछे से केवाड़ तोड़ के और कुछ 4-5 के संख्या में चोर था, वो आके 2 इसका लैपटॉप जेवरात एक घर में जो भी सामान था वो सब चोरी करके और निकल गया। और जब रात में हम लोग खोज खबर किए तो गाछी में गए तो वहाँ देखे कि दारू का बोतल, कुछ भुंजा, सिगरेट वगैरह वहाँ रखा हुआ है। घर से गाते कितने दूर? बस मुश्किल से यहाँ से 200 फीट, 200 से 300 फीट। पुलिस आई? पुलिस रात्रि में फोन करने के बाद, हाँ, थाना प्रभारी, 2 SI और पुलिस बल के साथ वो रात में 4 बजे भोर में आए हुए थे और हम लोगों ने मांग किया है कि भाई कुत्ता को, खोजी कुत्ता को ये किया जाए, क्योंकि अपराध का घटना लगातार बढ़ते जा रहा है और ये मुख्य रूप से लोग कुछ गांव समाज में दारू का कारोबार करते हैं और वहीं का ये उपज है, ये लोग ऐसा किया है तो अगर खोजी कुत्ता जाता है तो उससे सफलता मिलेगी। क्या पता चला कितने की चोरी हुई हो? लगभग लैपटॉप लेके हमको लगता है 3 लाख के आसपास। क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार।